कोटा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। नए एयरपोर्ट को लेकर राह और आसान हुई है। यूडीएन मंत्री शांति धरीवाल ने नए एयरपोर्ट की जमीन के डायवर्जन को लेकर कहा है कि हमारी तरफ से सारी प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है, सिर्फ डिमांड आना बाकी है। विभाग हमें डिमांड भेजे तो हम कल ही शुल्क जमा करवा देंगे। उन्होंने कहा कि हमने जमीन फ्री में दी है तो कुछ करोड़ के डायवर्जन के शुल्क को क्यों नहीं देंगे। दरअसल कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण करवाया जाएगा, इसके लिए शंभूपुरा में जमीन चिन्हित की गई है। वन विभाग की जमीन के डायवर्जन को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार के पाले में गेंद डाली थी। इसमें कहा गया था कि केंद्र एयरपोर्ट को लेकर गंभीर है, जमीन का डायवर्जन शुल्क राज्य को देना है। मंत्री धारीवाल ने कहा कि हम तो तैयार हैं, 46 करोड़ का वन भूमि डायवर्जन शुल्क भी जमा करवा दिया जाएगा। हम तो डायवर्जन के लिए अप्लाई कर सकते थे, वो कर दिया, लेकिन फॉरेस्ट जमीन डायवर्जन का काम केंद्र के स्तर का है, अब वहाँ से आगे की प्रोसेस होगी। मंत्री धारीवाल ने कहा कि पुराने एयरपोर्ट की 9 हेक्टेयर जमीन पर मिनी सचिवालय बनाया जाएगा, बाकी की जमीन पर प्लांटेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि उस जमीन पर यूआईटी कोई प्लानिंग काटेगी तो ये उसकी गलतफहमी निकाल दे। वहीं मंत्री धारीवाल के बयान के बाद कोटा के अधिकारी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा, अतिरिक्त कलेक्टर राजकुमार सिंह, यूआईटी सचिव राजेश जोशी सहित अधिकारियों ने प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थल का दौरा कर निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि यूआईटी की जमीन को 7 दिन में भारतीय विमान पतयन प्राधिकरण के नाम कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट के काम को गति देने के लिए साझा कोशिशें होंगी। कोटा में अभी विमान सेवा संचालित नहीं है। पुराने एयरपोर्ट पर केवल वीआईपीओं के आने वाले प्लेन ही उतरते हैं, जबकि कोटा में लंबे समय से हवाई सेवा की मांग उठ रही है। कुछ साल पहले 8 सीटर प्लेन शुरू किए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही ये सेवा भी बंद कर दी गई थी। एयरपोर्ट को लेकर के लोकसभा स्पीकर ने 1 जनवरी को बयान दिया कि डायवर्जन शुल्क स्टेट गवर्नमेंट को देना है। हाँ बिल्कुल देंगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। जब जमीन दे रहे हैं तो 48 करोड़ रुपए देने में क्या दिक्कत है हमें? हमें कोई दिक्कत नहीं, शायद कमी हो रही हो तो पूरी करेंगे। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि गेंद राज्य सरकार के पाले में है और वहाँ से डिले हो रहा है। कहीं डिले नहीं है, उनकी तरफ से डिले है, क्योंकि डाइवर्जन का काम जो है, हम तो अप्लाई करने का काम है, जो हमने ऑनलाइन अप्लाई कर रखा है, वहाँ से डिमांड नोट आएगा, उसको पैसा जमा करा देंगे। उसके बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कन्वर्जन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर तक जाता है वो मामला। तो ये वो तो वो काम उनका है, हमारा थोड़ी है। हमारा काम तो ये कि जमीन संभाल लो, फॉरेस्ट की जमीन के बराबर में जमीन दे देंगे, पैसा जो फॉरेस्ट वाले मांगते हैं वो जमा करा देंगे, अप्लाई कर देंगे। सब कुछ कर दिया हमने, सब कर दिया हमने काम। आगे कल ही जाकर के जमीन संभाल लो, जो यूआईटी की जमीन है वो तो अभी भी कब्जे में ले सकते हैं ना, ले। तो यूआईटी डाइवर्जन शुल्क देने के लिए तैयार है? डाइवर्जन शुल्क के लिए यूआईटी तैयार है, राज्य सरकार तैयार है देने के लिए? तैयार क्या, ऑर्डर ही हो चुके हैं, सब कुछ काम खत्म हो चुका है हमारी तरफ से, तो कोई काम बकाया नहीं है। बस वो तो डिमांड नोट जो फॉरेस्ट वालों ने निकाला और हमने पैसा जमा कराया, बात खत्म हुई बात, उसके बाद में तो काम उनका है। ठीक है सर, काम तो सारा उनका है। और पुराना जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ तो भाई देखो वास्तव मिनी सचिवालय तो बनेगा, और मिनी सचिवालय बन करके बाकी जितनी भी जमीन है उसमें प्लांटेशन होगा। कोई ये समझता हो कि साहब हम यूआईटी जो है उसको प्लाट काट करके बेचेगी, वो गलत फहमी निकाल दें, सब पे प्लांटेशन होगा टोटल। मिनी सचिवालय के लिए 9 हेक्टर या 10 हेक्टर जो जमीन चाहिए उसको छोड़ करके बाकी जो है 100-150 से भी ज़्यादा हेक्टर जमीन है उसमें प्लांटेशन करें। तो धन्यवाद सर, मिनी सचिवालय की फाइल भी क्या प्रोसेस हुई है, क्योंकि ये जमीन अभी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी तो उनसे लेंगे हम, देना पड़ेगा उन्हें। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।